नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और औषधि के बारे में जानकारी देंगे। इस औषधि को पूरे भारतवर्ष में सभी जानते हैं, बच्चे से लेके जवान बूढ़े सभी जानते हैं इसको, क्योंकि यह पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होते हैं। आज हम आपको गेंदे के फूल के बारे में जानकारी देंगे। गेंदे के फूल के बारे में आपको वो जानकारी देंगे जो लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे रोगों को ठीक किया जा सकता है। अपने घर में इस पौधे को लगाइए और अपने रोगों को ठीक करिए। तो आइए पहले गेंदे के फूल के बारे में कुछ जानकारी देते हैं आपको, फिर बताते हैं कि कौन से रोग में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये गेंदे का पौधा देख रहे हैं, ये काफ़ी खूबसूरत होता है, सुगंधित होता है, आकर्षित होता है। इसके फूलों की मालाओं का अधिक मात्रा में प्रयोग जीवन में किया जाता है। इसका पौधा बरसात के मौसम में लगाया जाता है और इसकी खेती पूरे भारत में की जाती है। गेंदे के पौधे की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर होती है। गेंदे के पत्ते 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे और कुरवेदार होते हैं। इन पत्तों को मसलने पर अच्छी खुशबू आती है। इसके फूल पीले और नारंगी रंग के होते हैं। ये आकार में अन्य फूलों के मुकाबले बड़े होते हैं। गेंदे अनेक प्रजाति के होते हैं। गेंदे अनेक जाति के होते हैं, जिनमें मखमले, जाफरे, हजार अधिक प्रचलित हैं। गेंदे का फूल लाल पीला और इसके पत्ते हरे रंग के होते हैं। गेंदे का फल स्वाद में हल्का तीखा होता है। यह एक फूल का पेड़ है जो बरसाती मौसम में होता है। इसका फूल हृदय को प्रसन्न कर देता है। गेंदे के फूल की प्रकृति गर्म होती है। गेंदे का फूल का अधिक मात्रा में सेवन करना गर्म प्रकृति के लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। यह काम शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों, हमने आपको गेंदे के फूल की पहचान कराई, वैसे लगभग सभी जानते हैं इसको, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब कौन से रोगों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कान में दर्द की समस्या है और बहुत अधिक दर्द है, तो आप गेंदे के फूल की पत्ती लीजिए, अच्छी तरह से मसलकर उसका रस निकाल लीजिए और उस रस को अपने कान में डालिए। कान का दर्द तुरंत ही ठीक हो जाएगा। अगला उपाय उनके लिए है जिनकी काम उत्तेजना में कमी है या जिनके वीर्य में कमी है या वीर्य में किसी प्रकार के दोष हैं, तो आप इसके लिए गेंदे के बीज ले लीजिए 1 चम्मच की मात्रा में, और 1 चम्मच की मात्रा में ले लीजिए धागे वाली मिश्री। अच्छी तरह से दोनों को मिला लीजिए और 1 कप गर्म दूध के साथ आप रोज़ सुबह और शाम इसका सेवन करते हैं, तो आपकी कामोत्तेजना में बढ़ोतरी होगी। वीर्य के जितने भी दोष हैं वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगला उपाय उनके लिए जिनके हाथ पैरों की त्वचा फट जाती है, आप इसके लिए गेंदे के पत्ते लीजिए और उसको मसलकर उसका रस निकाल लीजिए। ग्लिसरीन में मिलाकर अपने हाथ पैरों पर लगाइए, त्वचा निखरकर सुंदर और साफ़ हो जाएगी, और जो ये हाथ पैरों की त्वचा फटती है तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगला उपाय उनके लिए जिन पुरुषों के हिसाब में धातु आती है, वीर्य आता है, आप इसके लिए गेंदे के फूल का रस निकाल लीजिए। रस को कम से कम 2 चम्मच की मात्रा में सुबह को और 2 चम्मच की मात्रा में आप शाम को, अगर ये लगातार कुछ दिन तक लेते हैं तो पेशाब में धातु का आना बंद हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें दमा की और खांसी की शिकायत है, आप इसके लिए गेंदे के फूल लीजिए सूखे हुए, उसका पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच की मात्रा में सूखे हुआ पाउडर लीजिए और 1 चम्मच की मात्रा में मिश्री लीजिए। आप सुबह को और शाम को रोजाना इसका सेवन करते हैं तो कुछ ही दिनों में दमा का रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है और खांसी किसी भी प्रकार की हो वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें बवासीर का रोग है, आप इसके लिए गेंदे के पत्ते लीजिए, अच्छी तरह से मसलकर उसका रस निकाल लीजिए। उसमें कुछ मात्रा में आप काली मिर्च डालिए और नमक डालिए, उसका घोल बना लीजिए पानी में डालकर। अगर आप उसका सुबह और शाम डेली सेवन करते हैं तो बवासीर के रोगों को बहुत ही फायदा होता है। और अगला उपाय उनके लिए है जिनके हाथ पैरों में सूजन रहती है या जलन रहती है या शरीर के किसी भाग पर भी सूजन रहती है, आप इसके लिए गेंदे के फूल लीजिए और उनके पत्तों को अच्छी तरह से पानी में पीस लीजिए। उस पेस्ट को सूजन के स्थान पर लगाइए, सूजन कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। दर्द की समस्या है तो उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। अगला उपाय उनके लिए है जिनके सिर में फोड़े, फुंसियाँ, घाव हो जाते हैं, चकते जम जाते हैं, आप इसके लिए गेंदे के फूल लीजिए और पत्ती लीजिए। दोनों का अच्छी तरह से बराबर मात्रा में रस निकाल लीजिए और उसमें मैदा मिलाकर हफ्ते में 2 बार आप लगाते हैं तो सिर में जो फोड़े फुंसी बने रहते हैं ये ठीक हो जाते हैं, जो चकते की समस्या होती है वह भी ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें खूनी बवासीर की समस्या है, आप इसके लिए गेंदे के पत्ते लीजिए 10 ग्राम की मात्रा में, 7 काली मिर्च लीजिए, उसे अच्छी तरह से पानी में घोल कर सुबह और शाम आप इसका सेवन करते हैं तो बवासीर के रोग को बहुत फायदा होता है और लंबे समय तक सेवन करते हैं तो बवासीर का रोग ठीक हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें दाद, खाज, खुजली या छाले बने रहते हैं शरीर पे, तो आप इसके लिए गेंदे के फूलों का रस निकाल लीजिए। उस रस को अपने दाद पर लगाइए, जहाँ खाज खुजली है वहाँ लगाइए, वहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जो दाद की समस्या है वह भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। अगर
इसके ऊपर पत्तों को अच्छी तरह से पीस कर और उस लेप को हम दांत के ऊपर लगा देते हैं तो और भी जल्दी फ़ायदा मिलता है। अगला उपाय उनके लिए है जिनके दांतों में दर्द रहता है, मसूड़े सूजे हुए रहते हैं या मसूड़े से खून आता है या सूजन बनी हुई है, तो आप इसके लिए गेंदे के पत्ते लीजिए, पानी में डालकर अच्छी तरह से उबाल लीजिए। उस पानी को छानकर आप उसका कुल्ला करते हैं तो दांतों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जब मसूड़ों के दर्द है वह भी ठीक हो जाता है और सूजन भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, आज हमने आपको गेंदे के बारे में जानकारी दी है। आपको कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद को हम आपके माध्यम से हर घर में पहुँचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद शाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।